अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे खीमे के रोल। तो इसके लिए कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया, अब हम इसमें खीमा डाल देंगे। खीमे को धो के अच्छा पानी निथार ली थी मैं छन्नी में डाल के। थोड़ी देर के लिए तेल में भून लेना खीमे को। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। खीमे का पानी रिलीज हुआ ये। अब हम एक प्याज, कोथमीर, तीन हरी मिर्ची, पुदीना लेके चॉप कर लेंगे इसको। अब हम खीमे में हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा स्पून से भी कम। अच्छा मिला लेंगे। इफ्तारी में स्नैक को ज़रूर बनाना, ये बहुत जल्दी बन जाता। धनिया पाउडर डाल देंगे 1 स्पून, जीरा पाउडर डाल देंगे 1 स्पून, नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, 1 स्पून से भी कम डाली में नमक। अच्छे से मिला लेंगे हम। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा स्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। थोड़ी देर मिर्ची डालने के बाद भून लेंगे खीमे को। अब हम इसमें पानी डाल के खीमा गलने के लिए छोड़ देंगे। 1 गिलास जितना पानी डाली मैं, मीडियम हीट पे पानी सूखा होने तक छोड़ देंगे हम खीमे को। ये देखिए पानी सूख गया, जो हम चॉप करके रख लिए थे कोथमीर, प्याज, हरी मिर्ची, पुदीना, ये मिला देंगे इसमें। मिला के सिर्फ कुछ सेकंड के लिए भुनेंगे हम इसको। अब हम इसमें नींबू का जूस डाल देंगे। एक छोटे साइज़ का नींबू ले ली थी मैं। नींबू का रस डाल के अच्छा मिक्स कर देंगे। रेडी हो गया खीमा ये। अब हम स्टोव को ऑफ करके खीमे को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये मैं स्वीट्स के स्प्रिंग रोल डफ शीट्स ली मैं, बहुत आसानी से बन जाते। तो इस तरह से एक एक करते हुए शीट को निकाल लेना। बहुत अच्छे बनते हैं इसके रोल, क्रिस्पी भी रहते और झटपट आसानी से भी बन जाते बिना झंझट के। इस तरह से हम शीट्स को डाल देंगे, डाल के ऊपर से खीमा ले लेंगे।
अब हम आटा लगा लेंगे। 2 स्पून आटा लेके लिक्विड के जैसा पानी डाल के मिक्स कर ली थी मैं मैदे के आटे में, वही मैदे का आटा लिक्विड के जैसा बना ली। सो हम इसमें स्प्रेड कर देंगे ब्रश से। 2 साइड्स इस तरह से फोल्ड करेंगे। आटा लगा देंगे साइडों में। बहुत आसानी से बन जाते ये और खुलते भी नहीं ये रोला, अच्छा चिपक जाते। जो आटे का घोल लगे ना हम, उसकी वजह से अच्छे से चिपक जाते, तेल में डालने के बाद नहीं खुलते। इसी तरह से दूसरा भी रेडी कर लेंगे। फोर साइड आटे के घोल को लगा लेंगे, क्रीमा डाल देंगे। दो साइडों से फोल्ड कर देंगे। फिर से आटे का घोल लगा देंगे फोल्ड करके कटे जगह। ये देखिए फोल्ड हो गया पूरा स्प्रिंग रोल। अब हम कढ़ाई गरम करके तेल डाल देंगे गरम होने के लिए। जब तक ये तेल गरम होता हम पूरे स्प्रिंग रोल्स बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए स्प्रिंग रोल्स पूरे रेडी हो गए हैं, कीमे के रोल। तेल भी गर्म हो गया, अब एक एक करते हुए इसमें डाल देंगे हम तेल में। इफ्तार में बहुत टाइम सेव करता है ये स्प्रिंग रोल। स्वीट्स के जो शीट्स हैं बहुत अच्छे हैं, ज़रा में इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको समोसा शीट्स भी बहुत अच्छे हैं इसके, और जो है सो रोल के शीट्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं 2 भी ट्राई करी, बहुत अच्छे दिखे मेरे को। तो टाइम सेविंग प्रोडक्ट्स है ये। पलटा लेंगे हम रोलों को, पलटाते हुए तल लेंगे। कलर चेंज होने तक कर लेंगे हम। ये देखिए कलर चेंज हो गया रोलों का, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरा भी बैच डाल दी मैं, इसको भी पलटाते हुए तल लेंगे। ये भी रेडी हो गया, इसको भी निकाल देंगे हम। तो ये थी आज की रेसिपी स्वीट्स डफ शीट्स के कीमा रोल। बहुत आसानी से झटपट बन के रेडी हो गए। आप भी इस रेसिपी को इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत झटपट बन के रेडी हो जाती। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है ये रोल, बहुत क्रिस्पी बन के रेडी हुए थे। बहुत गरम गरम है, मेरे को तोड़ने नहीं आ रहा था। ये देखिए अच्छे क्रिस्पी हो गए। तो ये थी आज की रेसिपी कीमा रोल। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।